डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो से आप लोगों का मैथ में इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 65 को, जो कि चैप्टर 12 में है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें एक्सरसाइज 64 को मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है इसमें, इसके पहले जो है 64 जो हम लोग बनाए थे उसमें ऐड था, अब सब्सट्रैक्ट जो है इसमें माइनस करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है और 48 मिनट्स 39 सेकंड्स फ्रॉम 62 मिनट्स 10 सेकंड्स। तो फ्रॉम जब भी लिखा रहेगा तो आप समझिए कि इस वाला पीछे वाला जो टर्म दिया हुआ है उसको ऊपर रखना है और जो पहले वाला दिया हुआ है उसको नीचे रखना है। इस तरह से तो पहले से मैं लिख के रखा हूँ, सिर्फ यहाँ माइनस करना है। 62 ये पीछे में दिया हुआ है, इसको ऊपर रखें तो यहाँ पर माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए यहाँ 10 है और डायरेक्ट 1 करके इसमें माइनस करने का नहीं रहता है, तो डायरेक्ट इसमें 10 है और 39 इस तरह से आपको माइनस करना है। तो इस तरह से माइनस करने के लिए यहाँ पे 10 है और इसमें माइनस होने वाला नहीं है। तो इस क्या करेंगे हम लोग, 1 मिनट को इधर लाते हैं सेकेंड में। तो 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकेंड हो गया, तो 1 मिनट इक्वल टू हो गया 60 सेकेंड। 60 और 10, पहले से मेरे पास 10 सेकेंड है, तो 60 और 10 कितना हो गया, 70 हो गया। अब हम लोग 70 में 39 को माइनस कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हो गया 10 9, तो 1, और यहाँ हो गया 6 3, तो यहाँ पे 3 ये हो गया। और यहाँ से हम लोग एक माइनस ले लिए थे, तो 62 मिनट के जगह पे अब हम लोग के पास 61 है, तो 1 यहाँ पे है, तो 1 11 हो जाएगा, 11 में से 8 तो 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया 5, तो 5 में से हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि 13 मिनट 31 सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 माइनस करते जाएंगे, तो यहाँ पे 0 है, इसको कैसे माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 मिनट लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 सेकेंड तो हम लोग को मिलता है, तो यहाँ पे 60 हो गया। अब 60 में से तो माइनस कर ही सकते हैं, यहाँ पे 10 में से 5 तो 5 बच गया, और यहाँ 5 में से 2 तो 3 बच गया। अब यहाँ से 49 हो गया, ये 1 मिनट तो इधर चला गया था, 49 9 में से 5 तो 4 बच गया, और यहाँ पे 4 3 1, मतलब 14 मिनट 35 सेकेंड, ये हो गया इसका आंसर। हो गया क्वेश्चन नंबर 3, मिनट आवर्स एंड मिनट्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस कर नहीं सकते हैं, 5 मिनट्स है, तो यहाँ से 1 आवर से लेते हैं, तो 60 आ गया और 5 है, तो 65 हो गया, यहाँ पे 65 हो गया। अब हम लोग माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे 15 हो गया, 7 8 तो 7 बच गया, और यहाँ पे 5 में 5 0 हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास 19 है, 19 में से 12 चला गया, तो यहाँ पे 9 में से 2 7 7, तो यहाँ पे 0 हो गया, मतलब 7 आवर्स 7 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, आवर्स मिनट्स इसमें भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 है, और 0 का मतलब है कि यहाँ से 1 मिनट लिए, यहाँ 39 हो गया, और यहाँ पे 60, तो 60 में 32 माइनस कर ही सकते हैं, यहाँ पे 10 में से 2 8, और यहाँ पे 5 में से 3 तो 2 28 हो गया। अब यहाँ पे 9 9 में से 8 तो 1 बच गया, और यहाँ पे हो गया 3 3 में से 2 1, मतलब 11 आवर्स 28 मिनट्स, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पे ईयर्स और मंथ्स में दिया हुआ है, तो ईयर और मंथ्स में यहाँ पे अगर ईयर्स से लेते हैं मंथ, तो डायरेक्ट हमको 12 मंथ्स मिलता है, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। अगर माइनस नहीं हो रहा है तो माइनस यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 है और यहाँ 10 है, तो हम 12 लेते हैं यहाँ से, तो 12 और 6 18 हो गया, तो 18 हम यहाँ पर लिख देते हैं 18। अब 18 में से हम 10 माइनस कर ही सकते हैं, 10 तो 8 बच जाएगा, 8 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ से 49 हो गया, 49 9 में से 9 0 हो गया, और यहाँ 4 3 1 10 10 ईयर्स 8 मंथ्स, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी वही है, ईयर्स मंथ्स है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से लेते हैं तो डायरेक्ट हमको 12 मिलेगा, यहाँ 12 में से 8 चला गया तो 4 बच गया, 4, और यहाँ पे 24 हो गया, 24 में 23 चला गया, इसका मतलब है कि 1 ईयर 4 मंथ्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 7,
सेवन यहाँ पे मंथ्स और डेज, इसका मतलब है कि मंथ से हम डेज में लेते हैं तो हमको वन मंथ में 30 डेज मिलेगा, तो ये माइनस तो हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ 29 हो गया और यहाँ पे हो गया 30 और 10 40, 40 हो गया, 40 में से हम 25 माइनस कर सकते हैं, 10 में से 5 5 हो गया और यहाँ पे हो गया 3, 3 में से 2 1 15 डेज और यहाँ पे हो गया 29, तो 29 में से 25 चला गया तो 4 4 और ये 0 हो गया, मतलब 4 मंथ 15 डेज, ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, इस मैथ को अगर आप बनाने के लिए सीखते हैं तो आप किसी का एज निकालने के लिए आसानी से सीख जाएंगे। कई सारे बच्चे हैं या कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी का एज अगर माइनस करना हो तो माइनस नहीं कर पाते वो, और अगर आप भी नहीं कर पाते हैं तो इस मैथ को अगर आप बनाते हैं, ध्यान से बनाते हैं, सीखते हैं, तो ज़रूर आप किसी का भी एज निकाल सकते हैं। इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर इसको रिपीट कर करके पढ़ें। अब यहाँ पे हम लोग मंथ और डेज है तो यहाँ पे मंथ कुछ भी नहीं है, यहाँ 30 आ जाएगा क्योंकि एक मंथ का डेज हमको मिलता है तो 30 डेज मिलेगा, 30 में से अब यहाँ पे 18 माइनस होगा, अब यहाँ 10 हो गया, 10 में से 2 हो गया और यहाँ पे 2 1 तो 1 12 डेज और यहाँ पे हो गया 19, 19 मतलब 9 में से 2 7 7 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया तो ये 0 हो गया, मतलब 7 मंथ्स 12 डेज, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। और 9 में व्हाट प्रॉब्लम दिया हुआ है, राहुल इज 12 इयर्स 8 मंथ्स ओल्ड एंड हिज सिस्टर मीनू इज 6 इयर्स 10 मंथ्स ओल्ड। राहुल का उम्र जो है 12 साल और 8 महीना हो रहा है और उसकी बहन मीनू उसका 6 साल और 10 महीना हो रहा है। हाउ मच ओल्डर इज राहुल फ्रॉम मीनू, यहाँ पे राहुल अपनी बहन से कितना बड़ा है, इसको माइनस करने से पता चल जाएगा हम लोग को। 12 में से इसको जो है माइनस कर रहे हैं मंथ में, तो ये तो छोटा है, माइनस हो नहीं रहा है, तो यहाँ से हम लोग एक लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, 12 मंथ्स मिलेगा, तो 12 और 8 20, तो कम्प्लीटली यहाँ 20 हो जाएगा, 20 में से 10 चला गया तो 10 बचेगा और यहाँ पे अब बचा है 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 ईयर्स 10 मंथ्स इतना का डिफरेंस है, वो उससे इतना साल का बड़ा है, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, गौरव प्लेज 1 आवर्स 15 मिनट्स एंड अस प्लेज फॉर 45 मिनट्स, हु प्लेज फॉर शॉर्टर पीरियड एंड हाउ मच। शॉर्टर पीरियड तो यस ही खेल रहा है क्योंकि वो 45 मिनट्स है और ये 1 आवर 15 मिनट्स, इसको माइनस करके दिखाना है कौन कम खेल रहा है और कितना कम खेल रहा है, तो इसके लिए माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें माइनस करने के लिए ये तो कम है तो इसीलिए यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ तो 0 हो जाएगा, आवर्स में कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60 और यहाँ पे हो गया 15, तो 60 और 75 हो गया, तो यहाँ कम्प्लीटली 75 में से माइनस करते हैं तो 5 में से 5 0 हो गया और 7 में से 4 तो 3 हो गया, मतलब 30 मिनट्स, ये मिनट्स में आ गया, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स अस प्लेज लेस देन गौरव, तो यस जो है गौरव से 30 मिनट कम खेलता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 65 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर बच्चों आप लोग हमारे वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं, अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।